शहर के नयाबास में लिव इन रिलेशन में रह रहे युगल के बीच विवाद का आपसी सुलह से निपटारा। 2 साल बाद दोनों आपसी राजीनामे से हुए अलग। चूरू शहर के नयाबास में लिव इन रिलेशन में 2 साल से रह रहे युगल के विवाद का महिला थाने में आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा किया गया। काउंसलिंग के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग अलग रहने का निर्णय लिया है। अजय के साथ लिव इन में रह रही गायत्री ने बताया कि उसकी 2 साल पहले फेसबुक पर अजय से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर वे एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने लिव इन में साथ रहने का निर्णय लिया। 2 साल से दोनों नयाबास में किराए के मकान में साथ रहते रहे, लेकिन अब घरेलू वजह और बीमारी आदि के कारण दोनों में विवाद रहने लगा, तो उन्होंने विवाद का निपटारा महिला पुलिस थाने में करवाने का फैसला लिया। मंगलवार को दोनों महिला थाने पहुंचे, जहां गायत्री ने सीआई सुखराम चोटिया को परिवाद दिया। सीआई सुखराम चोटिया और महिला सुरक्षा व सलाह केंद्र द्वारा दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई गई। दोनों ने नतीजतन अलग अलग रहने का फैसला लिया है। मुझे इस बात का दुख भी है और इस बात की खुशी भी है कि चलो, अगर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, गलती थी, सही थी, पता नहीं, पर आज मैं अपनी बच्ची के लिए जीना चाहती हूँ, मेहनत करके जीना चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी, कोई भी निर्णय लो तो सोच समझ के लो, और कभी भी, खास तौर से कभी भी, जो आपको दिख रहा है वो ना देख के उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। खासकर सोशल मीडिया पे अगर आप किसी से मिलते हैं तो जब तक पूरी जानकारी ना लें प्रैक्टिकली, तब तक किसी भी रिश्ते का डिसीजन ना लें आप। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बहनों से, जो भी ऐसा मतलब निर्णय लेना चाहती हैं कि वो अकेले नहीं जी रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक बार सोच समझ के फिर निर्णय लें, वरना आपके साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस सेपरेट है, अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, कोई किसी की लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये निर्णय।